पंचकुला में हरियाणा सरकार का मंथन खत्म हो गया है, जिसमें हरियाणा सरकार ने 28 अक्टूबर को करनाल में प्रदेश स्तर पर एक बड़ी रैली का फैसला किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि रैली में विपक्ष का जो अहंकार है उसको 2019 में ध्वस्त किया जाएगा। भाजपा के पास जितना भी गोला बारूद है वो सब लगाया जाएगा, लेकिन देखना होगा कि क्या बीजेपी 28 अक्टूबर की रैली में 2019 के चुनाव में फायदा उठा पाएगी या नहीं। तीन स्तर की बैठक यहाँ पे आयोजित हुई है। थापली में मंत्रिमंडल, प्रदेश सरकार में चेयरमैन, चेयरपर्सन और पार्टी के पदाधिकारी, ऐसे तीन ग्रुपों में, तीन सत्रों में ये बैठक हुई है। और इस बैठक में पार्टी संगठन से लेकर के और राजनीतिक कार्यक्रम, सरकारी योजनाओं की भविष्य में जो हमारे कार्यक्रम हैं उनमें चर्चा, जन कल्याण की नीतियां, योजनाएं सरकार की, केंद्र की, प्रदेश की, इनको जन जन तक लेकर के जाना, इसके लिए हमारी एक विस्तृत चर्चा आज की इस बैठक में हुई है और कुछ कार्यक्रम भी इसमें तय हुए हैं। हमने अथॉराइज बना रखा उसको, मैं तो हर वक्त आपके पास रहता हूँ। सर, आज चिंतन मंथन में क्या निकला है, किस तरह का माइक नीचे करना है? देखिए, राजनीति का यह दशहरा आ रहा है तो विपक्ष के रावण को फूंकने का सारा इंतजाम हमने कर दिया आज। तो क्या कुछ प्रदेश के चार साल के कार्यकाल पर किस तरह चर्चा हुई, क्या कुछ आगे की रूप नहीं? कार्यकाल पर हमें कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ हमने किया है सारी जनता उससे पूरी तरह से वाकफ है। अब तो जनता के सामने विपक्ष के अहंकार का रावण को आग लगानी है। इशारे में राम की भूमिका में कौन है? कि मंथन में मैंने पहले भी कहा था कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए सारे जो है कार्यक्रम तय किए गए हैं। जिस तरह से 28 अक्टूबर को पूरे हरियाणा प्रदेश की एक बहुत बड़ी रैली जो है करनाल में होने जा रही है, और उससे पहले अटल जी के जो है काव्यंजलि पाठ भी होंगे, और उसके 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है उस पर भी कार्यक्रम होंगे, और उसके साथ साथ बूथ के सितंबर में हमारी कार्य समिति होगी, और इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में पूरा जो है बूथ स्तर तक जो संगठन का ढांचा है वो मजबूत करने का जो है कार्यक्रम चलेगा। जब भी मंथन होता है तो अमृत निकालने की कोशिश के लिए होता है। जब भी ऐतिहासिक मंथन हुआ है और उसमें जो भी निकले उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई मंथन चिंतन बैठक नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और समय समय पर पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश स्तर कार्यकारिणी, विधायक, मंत्री, सभी संगठन के लोग बैठकर भारतीय जनता पार्टी के बारे में मंथन करते हैं। तो आज की मीटिंग के अंदर मंथन हुआ और पार्टी प्रोग्राम तय हुए। जिस प्रकार से 26 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं, उस 4 साल का लेखा जोखा और राज्य स्तरीय 28 अक्टूबर को करनाल के अंदर एक बहुत बड़ी विशाल रैली होगी, जिसमें 28 अक्टूबर को, और इसी प्रकार से 23 सितंबर को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नंबरदार एक बड़ा सम्मानित पद होता है, उनका पीछे वेजेज भी बढ़ाए थे तो उनके सम्मान के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन 23 सितंबर का होगा, उससे उसका स्थान तय होगा। इस सरकार से अप्रूवल नहीं जी, अगर उनके आपका कंप्लेंट गई होगी सर किसी की तो उस कंप्लेंट के हिसाब से उसके हिसाब से पर्चा दर्ज करता को सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।